हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर वन ऑफ चैप्टर थ्री दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपने इससे पहले इसका बेसिक वीडियो नहीं देख रखा है तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार आप बेसिक वीडियो लगभग 30 मिनट के आसपास का वो वीडियो है, आप देखो आपको मजे आ जाएंगे। क्या है, कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर, यानी कि मैंने आपको बताया है कि अगर इस टाइप का वैल्यू इधर लेफ्ट में रहे और रेडियन में आपको पूछे तो सिंपली रेडियन जो होता है वो राइट साइड में होता है और डिग्री वाला पॉइंट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। मतलब क्या हो गया सर? मतलब हम लोग कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि इधर डिग्री वाला मेजर है तो हम लोग जानते हैं 360 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, 2 पाई रेडियन, या फिर मैं बोलू 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। यही था ना, 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना था, पाई रेडियन। हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 40 डिग्री और 20 मिनट। ये हमें दिया हुआ और इसको रेडियन में हमें कन्वर्ट करना है। अगर 1 डिग्री के बारे में बात करें तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, ये हमने यूनिटरी मेथड यूज किया तो 1 डिग्री के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, दैट इज पाई बाई 180 रेडियन। लेकिन सर अगर हमें टोटल कोई डिग्री दिया होता तो हम लोग नॉर्मल निकाल सकते थे, ये तो मिनट में भी दिया हुआ है, इसको कैसे निकालें? आपको पता है बच्चा लोग, आपको पता है कि 60 मिनट में कितना होता है, 1 डिग्री होता है। ये सारा का सारा मैंने डिस्कस कर रखा है इसके बेसिक्स वीडियो में। अगर इशू हो रहा है इसमें तो एक बार आप बेसिक्स वीडियो जरूर देख लो, मेरी मानो जरूर देख लो, ठीक है। 60 मिनट में क्या होता है, 1 डिग्री होता है। तो इस बेसिस पे आप बोलो 1 डिग्री में कितना होगा, सर 1/60 डिग्री होगा, सर 1/60 डिग्री होगा। हमें दिया है 20 मिनट, तो 20 मिनट में कितना होगा बच्चा लोग, तो बिल्कुल सर 1/60 × 20 कर दीजिए, इससे ये मर गया और 2 के टेबल में 3 टाइम्स, यानी कि 20 मिनट में हमारा होता है 1/3 डिग्री। यानी कि एक्चुअल में जो हमें यहां पे दिया है कि 40 डिग्री और 20 मिनट, वो एक्चुअल में है कितना, वो एक्चुअल में है 40 × 1/3, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 40 × 1/3, इतना डिग्री हमें दिया हुआ है, इतना डिग्री हमें दिया हुआ है और इस बेसिस पे हमें निकालना है कि ये कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, पाई बाई 180 इंटू 1 डिग्री में इतना, तो इतना डिग्री में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 43 जा 120 और 1 121 डिवाइडेड बाई थ्री। अब यहां पे काटने के बाद जो वैल्यू आएगा वो किसमें आएगा, दैट इज रेडियन में। किसमें आएगा वैल्यू, दैट इज रेडियन में। क्या यहाँ पे कोई कैंसिल होगा, क्या लगता तो नहीं है कैंसिल होगा, 3 के टेबल में नहीं होने वाला है। यानी कि हम लोग आएगा 121 π / 18 3 = 54 एंड 0, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये जो हमारा डिग्री मिनट में था, मिनट को सबसे पहले हमने किसमें कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, और एक बार जब हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया उसके बाद 40 डिग्री पहले से दिया था, 20 मिनट का मतलब 1/3 डिग्री, सबको हमने क्या कर लिया, एड कर लिया, तो हमारे पास कितना आएगा, 121 π / 240, इतना क्या, तो इतना आप बोल सकते हो डेट इज रेडियन। आप रेडियन लिखना चाहो तो सकते हो या फिर ऐसे साइन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप कि सॉल्यूशन 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी के बेसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 2 का सॉल्यूशन। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।